Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the present perfect tense. Okay friends, but अभी भी बहुत कुछ बाकी है present perfect tense में जानने के लिए. So, आज हम वो चीज़ सीखेंगे जो पढ़ाना बाकी रह गया था. Okay friends, सबसे पहले देखते हैं हम पिछले क्लास में दिए गए sentences के English translation. ये रहा, अगर आपने इंग्लिश अनुवाद किया है तो आप इससे मैच कर लीजिए और जहां पर भी गलतियां हैं उसको आप सुधार लीजिए. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक और तरह का सेंटेंस आता है जिसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं. कहां सिंस लगाते हैं और कहां फॉर लगाते हैं ये तो हो ही अलग बात, बट किस तरह के सेंटेंसेज में हम सिंस और फॉर लगाते हैं और बीन लगाकर उसको बनाते हैं वो सीखेंगे हम आज. तो मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, वह 4 दिनों से बीमार है. ओके फ्रेंड्स, मैं सुबह से व्यस्त हूँ. वे 10 सालों से टीचर हैं. मेरे पिताजी 2006 से MLA हैं. तो इस तरह से अगर सेंटेंसेस रहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या ही कहलाता है, बट ऐसे सेंटेंसेस को हम हैज़ और हैव के साथ बिन लगाकर भी बनाते हैं और अगर टाइम ऑफ पीरियड दिया हो तो उसमें हम सिंस और फॉर भी लगाते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ सिंस लगाते हैं और कहाँ फॉर लगाते हैं. तो जब भी परफेक्ट टाइमिंग दिया हो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं. परफेक्ट टाइमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ तो ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं हुआ, ये 2 दिनों से. लेकिन कब से, कौन से दिन से, 2 दिनों से, ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं हुआ. अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बुधवार से बीमार हूँ तो बुधवार एक परफेक्ट टाइमिंग बताया जा रहा है कि बुधवार दिन का नाम बताया जा रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट टाइमिंग. ओके फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइम ऑफ पीरियड बताया जाए तो उसमें हम सिंस लगाते हैं. इसी तरह से अगर साल का नाम हो, दिन का नाम हो, सप्ताह का नाम हो, महीने का नाम हो, सुबह शाम इस तरह से दिया हो सेंटेंस में, तो वैसे सेंटेंसेस में हम सिंस लगाते हैं और जिसमें टाइम ऑफ पीरियड परफेक्ट न दिया हो उसमें हम फॉर लगाते हैं. आप ये एक मैं टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल को आप देख लो ध्यान से, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम सीखते हैं सिंस का इस्तेमाल. सिंस के इस्तेमाल में पहले नंबर पर है जब टाइमिंग बजे से दिया रहेगा, मतलब 2 बजे से 4 बजे से 3 बजे से इस तरह से होगा तो उसमें सिंस लगाएंगे. अगर दिन का नाम दिया हो जैसे सोमवार से, बुधवार से, शनिवार से, तो उसमें भी हम सिंस लगाएंगे. और साल का नाम हो जैसे 1980, 2010 से, 1890 से, तो उसमें भी हम सिंस लगाएंगे. अगर महीने का नाम दिया हो जैसे जनवरी से, मार्च से, जून से, किसी भी महीने से, तो उसमें हम सिंस लगाएंगे. और अंत में है जब ऐसा हो कि कल से, सुबह से, शाम से, बचपन से, दोपहर से, जवानी से, इस तरह के हैं तो उसमें भी हम सेंस लगाएंगे. अब देखते हैं फॉर. फॉर का इस्तेमाल हम वैसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जिस सेंटेंस में ना तो टाइम का नाम दिया हो, न दिन, न महीना और न साल का नाम दिया हो. जैसे उसमें दिया रहेगा 2 घंटों से, कुछ घंटों से, कुछ समय से, कई घंटों से, कुछ दिनों से, कई दिनों से, 4 दिनों से, बहुत दिनों से, कुछ सप्ताह से, 2 सालों से, 4 सालों से, कुछ सालों से, कई सालों से, कुछ महीनों से, 10 महीनों से, ऐसा दिया हो तो फॉर लगेगा. अर्थात उसमें ना तो दिन का नाम दिया होगा, ना साल का नाम, ना महीने का नाम, और ना तो टाइम में बजे से दिया होगा. टाइम का दिया होगा तो घंटे से, कुछ घंटों से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, बहुत घंटों से, इस तरह से दिया रहेगा. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये था टेबल सिंस और फॉर के लिए कि हम कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, अभी हम सेंटेंस बनाएंगे. वह 4 दिनों से बीमार है तो ही हैज़ बीन, इसमें हैज़ और हैव लगता ही है बट उसके साथ बीन भी लगता है. ही हैज़ बीन सिक फॉर 4 डेज. यहाँ पर फोर लगा क्योंकि
चार दिनों से लिखा है, दिन का नाम नहीं दिया है। अगर यहीं पर दिया होता कि वह सोमवार से बीमार है तो यहाँ पर हो जाता फॉर मंडे, सिंस मंडे। ओके फ्रेंड्स, ही हैज़ बीन सिक सिंस मंडे, ऐसा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दिन का नाम नहीं दिया है, सिर्फ दिन लिखा है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा। मैं सुबह से व्यस्त हूँ, आई हैव बीन बिजी। सुबह है तो कभी भी सुबह और शाम ऐसा दिया रहता है तो उसमें सिंस ही लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। वे 10 सालों से टीचर हैं, तो वे मतलब किसी एक बात के आदमी के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो ही लिखेंगे, ही हैज़ बीन टीचर। कितने सालों से? 10 सालों से। तो इसमें परफेक्ट टाइमिंग नहीं दिया है, साल का नाम नहीं दिया है। अगर साल का नाम दिया होता तो अलग होता, लेकिन साल का नाम नहीं दिया है, सिर्फ 10 साल लिखा है, तो यहाँ पर 10 ईयर्स फोर हो जाएगा, 4 10 ईयर्स। अगर यहीं पर साल का नाम दिया होता कि जैसे वो 2006 से टीचर हैं, तो यहाँ पे सिंस 2006 ऐसा हो जाता। मेरे पिताजी 2016 से MLA हैं, तो माई फादर has been an MLA 2016 से। इसमें परफेक्ट टाइमिंग दिया है, साल का नाम दिया है, तो सिंस हो जाएगा, सिंस 2016। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस थे। इसमें ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट अब इन सेंटेंसेस को देखिए, हम कुछ अब और पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वैसे सेंटेंस जिसमें टाइम ऑफ पीरियड दिया तो रहता है बट उसमें बीन नहीं लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे सेंटेंसेस। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसने 4 साल इस फैक्ट्री में काम किया है, तुमने 4 दिनों से मुझे नहीं पढ़ाया है। ये इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें भी हैज़ बीन और सिंस फॉर लगाकर बनाएंगे, बट इसमें बीन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम ऑफ पीरियड तो दिया है, सुबह शाम या 4 साल 4 दिन, ऐसा टाइम तो दिया है, लेकिन सिर्फ टाइम को देख कर ये मत मान लेना आप कि ये भी हैव बीन और हैज़ बीन वाला है। ओके फ्रेंड्स, ये हैज़ बीन और हैव बीन वाला नहीं है, इसमें बीन नहीं लगाएंगे, हैज़ और हैव तो लगेगा, क्योंकि इसमें क्रिया है, खाया है, काम किया है, पढ़ाया है, इसमें वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा टाइम ऑफ पीरियड के साथ सेंटेंसेज आए और उसमें वर्ब हो तो उसमें बीन नहीं लगाएंगे, सिंस और फॉर लगेगा। जैसे मैंने सुबह से नहीं खाया है, आई हैव, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हैवंट, हैव नॉट का, तो आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग। उसने 4 साल इस फैक्ट्री में काम किया है, तो ही हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री 4 साल है, तो 4 ईयर्स। तुमने 4 दिनों से मुझे नहीं पढ़ाया है, तो यू हैव हैवंट टाउट मी। 4 दिन है, तो 4 डेज। ओके फ्रेंड्स, ये था फर्क जिसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन और सिंस फॉर दोनों लगा रहे थे, उसमें वर्ब नहीं था। जैसे कि वो सुबह से बीमार है, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, वह 10 सालों से टीचर है, इसमें कहीं वर्ब नहीं आ रहा है, सिर्फ होने का बोध हो रहा है, इसीलिए बीन लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसमें वर्ब आ रहा है इसलिए इसमें बीन नहीं लगेगा, बाकी सिंस और फॉर ज़रूर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम ऑफ पीरियड दिया हो तो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं प्रैक्टिस। मेरे पिताजी 20 सालों से इस स्कूल में टीचर हैं। माई फादर हैज़ बीन अ टीचर इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स। क्या तुम सुबह से भूखे हो? हैव यू बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग?
मैं दो दिनों से व्यस्त हूँ. आई हैव बिन बिजी फॉर टू डेज. वे लोग कल से परेशान हैं. दे हैव बिन ट्रबल्ड सिंस यस्टरडे. वे लोग कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं. दे हैव बिन वेरी डिस्टर्ब्ड फॉर सम डेज. तुम कितने सालों से टीचर हो. फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैव यू बीन अ टीचर. मैंने बचपन से कार नहीं चलाई है. आई हैवन्ट ड्रीवन द कार सिंस चाइल्डहुड. वे लोग सुबह से व्यस्त रहे हैं. दे हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग. सीता ने मंगलवार से कुछ नहीं खाया है. सीता हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ट्यूजडे. वह 10 सालों से इस स्कूल में टीचर रहा है. ही हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स. उसने बचपन से मेरी मदद की है. ही हैज़ हेल्पड मी सिंस चाइल्डहुड. तुम 4 दिनों से मेरे घर नहीं आए हो. यू हैवन्ट कम टू माई हाउस फॉर 4 डेज. वो कुत्ता 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है. दैट डॉग हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 डेज. तुम्हारा भाई 4 सालों से डॉक्टर है. योर ब्रदर हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 4 ईयर्स. वह 2010 से यहाँ है. ही हैज बीन हियर सिंस 2010. ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस थे. उम्मीद करता हूँ कि अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फोर कहाँ लगाते हैं और सिंस कहाँ लगाते हैं, और टाइम देने के बावजूद भी किस तरह के सेंटेंसेस में हम हैज और हैव के साथ बीन नहीं लगाते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब ये रहा आज के लिए सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए. इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना, और नेक्स्ट क्लास में जो हम आंसर देते हैं इसका, उससे आप टैली भी कर लेना. ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.